बढ़ा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि ये ऐसे संकट काल में घोर संवेदनहीनता का परिचय है। ऐसे समय में जब मजदूर नंगे पांव सड़कों पर चल रहा है, मासूम बच्चों के साथ उनकी माताएं इस गर्मी में, इस कड़कती धूप में पैदल नंगे पांव चली जा रही हैं अपने गांव को, एक नहीं अनेक घटनाएं हो चुकी, वो चाहे औरंगाबाद में 16 लोगों की जान रेल की पटरी पर कट के गई, या औरैया में 24 लोगों की जान गई, या सागर हो, मुजफ्फरनगर हो, एक नहीं अनेक घटनाएं हुई। ऐसे समय में कोई एक जिम्मेदार सांसद या कोई नेता किसी फंक्शन में या क्रिकेट मैच खेलने में अपना समय बिता कैसे सकता है? उसके पास इतना समय कैसे आ गया? और वो सरकार हरियाणा की जो दिल्ली के डॉक्टर्स को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देती, दिल्ली के कोरोना योद्धाओं को भी हरियाणा में जाने की इजाजत नहीं है, जो दिल्ली में काम करते हैं कोरोना संकट की घड़ी में, जो स्टाफ काम करता है, डॉक्टर हो, नर्स हो, जो और इम्प्लॉयज हैं, उनको हरियाणा सरकार प्रतिबंधित करती है। और हमारी सड़कें जो दिल्ली और हरियाणा को मिलाती हैं वो सड़कें खुदवा देती है। इतना विद्वेष भाव, इतनी नफरत, इस प्रकार की मानसिकता हरियाणा की बीजेपी सरकार की, खट्टर सरकार की। और मनोज तिवारी जी के लिए पूरी छूट है कि वो जाके क्रिकेट खेलें। यानी मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, लेकिन मोदी नगर में खाना बांटने पे भाजपा की विधायक को आपत्ति है, लेकिन मनोज तिवारी जी सोनीपत में क्रिकेट खेलने जाएंगे उस पर कोई बीजेपी को आपत्ति नहीं है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से ये लोग जनता के मुद्दों के प्रति, गरीबों के मुद्दों के प्रति संवेदनहीन हो चुके हैं, और किस प्रकार से बेपरवाह होके सिर्फ मौज मस्ती, क्रिकेट खेलना इसमें लगे हुए हैं। इनको जो एक जिम्मेदारी अपनी निभाने की आवश्यकता है, उस काम में बिल्कुल इनका ध्यान नहीं जा रहा है।